नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। बचनों की होड़, घोषणाएं ताबड़तोड़। जी हां, हर बार की तरह वचन पत्र और चुनाव घोषणाओं को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक तरह की होड़ लगी हुई है और इस होड़ में कांग्रेस बुधवार को अपना वचन पत्र जारी करके आगे निकलने की कोशिश कर सकती है। विधानसभा चुनाव को लेकर मची होड़ के बीच बड़ी खबर यह है कि 26 जुलाई को कांग्रेस अपना वचन पत्र जारी कर सकती है। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने की बात वो पहले ही कह चुकी है और अब वचन पत्र की घोषणा की बात ने एमपी की सियासत में एक खलबली जरूर मचा दी है। बुधवार को पीसीसी चीफ कमलनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसमें वो वचन पत्र की घोषणा कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी इसके साफ संकेत दिए हैं। जो हमें जानकारी है, कल हमारा वचन पत्र जो अंतिम हुआ है, हमारे राजेंद्र सिंह जी अगर आ गए कल, जो वचन पत्र के अध्यक्ष हैं, तो कल वचन पत्र हमारा जारी हो सकता है। कांग्रेस न केवल जल्दी वचन पत्र लाने जा रही है बल्कि कई चौंकाने वाली घोषणाएं भी इस वचन पत्र में हो सकती हैं। खासतौर पर महिलाओं, कर्मचारियों और युवाओं के लिए कई लुभावने वादे इस वचन पत्र में हो सकते हैं। प्रियंका गांधी जो गारंटी दे गई हैं, वो इस वचन पत्र का हिस्सा तो होंगी ही। स्वास्थ्य बीमा को लेकर भी राजस्थान की तर्ज पर कांग्रेस बहुत बड़ी घोषणा कर सकती है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस की इस कवायद को अपने नजरिए से देखती है। देखिए, जब आपका ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो तो कितने भी लोक लुभावन आप वादे कर दें, जनता आपके पूर्व में किए गए वादों को कितना पूरा किया गया इसी आधार पर कसौटी से कसती है। मध्य प्रदेश की जनता ने 2020 के बाद जितने उपचुनावों में वोट दिया है, यह बताया है कि वो वादा खिलाफी, भ्रष्टाचारी जनता को स्वीकार नहीं है। वो काली कमलनाथ सरकार जनता को स्वीकार नहीं है। कांग्रेस इस चुनाव में अपने आप को एक कदम आगे रखने की कोशिश में है तो वहीं बीजेपी भी पुख्ता तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। बुधवार को ही अमित शाह कोर कमेटी के साथ बैठक करने वाले हैं जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। यानी एमपी में अब चुनाव फुल स्विंग में आ चुका है। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो एमपी में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस में जहां हर मुद्दे में होड़ और टक्कर है, तो नेताओं के दौरे और कार्यक्रमों पर भी इसका असर देखने लगा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 13 अगस्त को सागर आने वाले थे लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया है और इसकी वजह है 12 अगस्त को होने वाले प्रधानमंत्री का कार्यक्रम। इधर बीजेपी खड़गे के दौरे को रद्द करने को कांग्रेस का डर बता रही है तो उधर साफ तौर पर कांग्रेस यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी उसके कार्यक्रमों को रोक रही है। ये रिपोर्ट देखिए। इस बार एमपी विधानसभा चुनाव में मुकाबला कितना जोरदार होने वाला है, इसकी वानगी एक बार फिर देखने को मिल रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का 13 अगस्त का सागर दौरा रद्द हो गया है। अब इसको लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। दरअसल 12 अगस्त को पीएम मोदी का सागर आने का कार्यक्रम तय हो गया है और खड़गे के कार्यक्रम का रद्द होना भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि उसके कार्यक्रम को फेल करने के लिए बीजेपी ने जानबूझकर 12 अगस्त को पीएम मोदी का कार्यक्रम रख दिया है जिससे कांग्रेस को कोई साधन व्यवस्था उपलब्ध ना हो पाए। इस प्रदेश का बच्चा बच्चा समझ रहा है और खास करके वो दलित भाई बहन जिनका प्रतिनिधित्व तो मैं भी करता हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी करते हैं। हमारा 13 तारीख का सागर का दौरा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बहुत पहले अनाउंस हो चुका है। उस कार्यक्रम को फेल करने के लिए भाजपा ने नरेंद्र मोदी साहब का दौरा एक दिन पहले सागर में, भाजपा घबराई हुई है। दरअसल इस पूरी सियासत के पीछे कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को बनाने की भी कवायद है। संत रविदास जयंती के मौके पर सियासत में दलित हितैषी बनने की होड़ सी लग गई है। खड़गे का दौरा स्थगित होने पर बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि खड़गे मोदी जी से डर गए हैं
इसलिए दौरा रद्द कर दिया है। वहीं कांग्रेस पर संत रविदास के अपमान का भी आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, ये है कांग्रेस और खड़गे जी का असल दलित प्रेम। 13 तारीख को वो राजनीतिक रोटियां सेकने तो आ सकते थे, पर एक दिन पहले वो स्वयं संत रविदास जी के मंदिर के शिलान्यास और पूजन में नहीं आ पाए। आज खड़गे जी का ये दौरा रद्द करना बताता है कि इनका दलित प्रेम सिर्फ राजनीतिक दिखावा है। बाकी दलितों से और उनके सम्मानों को जब स्थापित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है तो ऐसे में ये दुम दबा के भाग जाते हैं। विधानसभा चुनाव अभियान का जिस तरह से आगाज हुआ है उसको देख कर कहा जा सकता है कि इस बार दोनों ही पार्टी के केंद्रीय नेताओं का खासा दखल रहने वाला है और चुनाव के दौरान इस तरह के कार्यक्रमों में दिग्गज नेताओं के बीच आमना सामना होना भी तय है और इस तरह की तीखी जंग भी देखने को मिलेंगी। तो इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल भोपाल आ रहे हैं और इस दौरान बीजेपी के टॉप लीडरशिप के साथ चुनावी मंथन करेंगे। आला नेताओं के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे, साथ ही समितियों पर भी मुहर लगाएंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल को अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। बैठक के दौरान विधानसभा चुनाव का फाइनल खाका तैयार किया जाएगा। इस दौरान चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव समेत अन्य दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। आधुनिक भारत के लौह पुरुष, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कल राजा भोज की नगरी में पधार रहे, उनका वंदन, अभिनंदन, स्वागत। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी को हम सबके मार्गदर्शन और प्रेरणा के स्रोत, राष्ट्रवाद की दिशा को मजबूती से आगे बढ़ाने वाले माननीय अमित शाह जी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। तो उधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली में बैठक की। इसमें एमपी के प्रदेश प्रभारी रामजी गौतम, प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल समेत कई नेता मौजूद रहे। मायावती ने कहा कि बीएसपी कई राज्यों में बैलेंस ऑफ पावर में बनी हुई है, लेकिन विरोधी षड्यंत्र कर हमारे विधायकों को तोड़ लेते हैं। विधायकों की तोड़फोड़ और दल बदल को लेकर पार्टी ने रणनीति बनाई है और समर्थन देने के बजाय सरकार में शामिल होने पर विचार करने की बात कही। तो हर तरफ भक्तिमय माहौल है, क्या नेता क्या अभिनेता सब शिव की शरण में हैं और चुनाव नजदीक है तो दावेदार भी भगवान के दरबार में माथा टेक रहे हैं। कोई रुद्राभिषेक कर आशीर्वाद की कामना कर रहा है तो कोई रुद्राक्ष भेंट कर कृपा पाने की चाह में है, लेकिन अब आशीर्वाद किसे मिलेगा ये तो भगवान ही जाने। सावन का महीना है और पूरा संसार शिव की शरण में है, क्या नेता और क्या अभिनेता। मध्य प्रदेश में सावन का महीना बीतेगा वैसे ही चुनाव और नजदीक आ जाएंगे, लिहाजा जनता के साथ नेता भी शिव की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। कोई रुद्राभिषेक कर शिव से आशीर्वाद मांग रहा है तो कोई रुद्राक्ष बांटकर जनता और जनार्दन की आशीष की उम्मीद में है। इंदौर में इन दिनों भगवान भोलेनाथ की भक्ति कुछ इसी तरह नजर आ रही है। विधानसभा एक से कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला रुद्राभिषेक के जरिए भगवान भोलेनाथ की शरण में हैं, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक और राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल भी रुद्राक्ष वितरण के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं। हम तो लगातार हमारा ये 2017 से लगातार हमारा रुद्राभिषेक चल रहा है, ये 21 दिन का रहता है। हमारे 17 वार्ड है, 17 ही वार्ड के अंदर हमारे जो सावन महीना है, ये सावन महीना ये 20 साल बाद आया है, ये 20 साल बाद 2 महीना सावन आया। इसमें हमारे जितने वार्ड की जितनी माताएं हैं और जितने पुरुष हैं उनके परिवार की ओर से हर वार्ड से 2-2.5 हज़ार लोगों का हम रुद्राभिषेक करा रहे हैं। जो पारिवारिक पुजारी हैं उनके द्वारा 6 महीने पहले ही हमने ये निर्णय ले लिया था कि हमको सावन मास में रुद्राक्ष घर घर पहुँचाना है। घर घर ये रुद्राक्ष और रुद्राक्ष की आरती और महा शिव जी की आरती दोनों साथ में, और तुलसी पौधा और बिल पत्र हम घर घर
पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इधर बीजेपी का मानना है कि भगवान की भक्ति पर किसी भी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। बीजेपी नेता कहते हैं भगवान की भक्ति के साथ साथ उन्हें अपने नेताओं पर भी भरोसा है और बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में नजर आ रही है। बीजेपी एक्टिव नहीं, बीजेपी हमेशा एक्टिव रहती है। ये संगठन की रचना है कि जब कोई अभियान आता है, कार्यक्रम आता है, चुनाव आते हैं तो हमारी समितियां बनती है, उसको मार्गदर्शन हमारे वरिष्ठ लोग देते हैं, तो उनके निश्चित तौर पर उनके मार्गदर्शन हमको मिलेगा और हम इसमें विजय के साथ आगे बढ़ेंगे। 300 पार इस बार सीटें आएगी। चुनाव नज़दीक हैं, दावेदारी ठोक रहे नेता शिव की शरण में हैं। बड़े आयोजन कर एक तरफ जहां प्रभु के आशीर्वाद की चाह है तो जनता के बीच पैठ बनाने की मंशा भी है। आयोजन जारी है और देखना होगा कि किसे मिलेगा शिव का आशीर्वाद और भोले किसकी चुनावी नैया लगाएंगे पार। सुकमा में एक 6 साल की बच्ची से रेप होता है और जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर विपक्ष से ही सवाल कर रहे हैं। प्रदेश में सुकमा की घटना से जनता में गुस्सा है तो वहीं कांग्रेस उल्टा बीजेपी से ही मणिपुर के मसले पर सवाल पूछ रही है। बीजेपी भी पीछे नहीं, बीजेपी सुकमा के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है। इस रिपोर्ट में देखिए दो तस्वीरें। ये दो तस्वीरें हम आपको एक साथ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहली तस्वीर, ये तस्वीर है छत्तीसगढ़ के सुकमा में बच्चों को रहने के लिए बनाए गए पोटा कैबिन की, जहां 22 जुलाई की रात सरकारी हॉस्टल में रहने वाली पहली क्लास की बच्ची के साथ रेप हुआ। अब बात दूसरी तस्वीर की, जो है राज्यसभा के अंदर की। पीयूष गोयल छत्तीसगढ़ में महिलाओं की स्थिति पर बोल रहे हैं। किसी भी बहन, किसी भी बेटी, किसी भी महिला, किसी भी बच्ची के ऊपर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारी बहनें महिलाओं के ऊपर जो प्रकार का जो उनके साथ दुर्व्यवहार राजस्थान में हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार तेलंगाना में, पश्चिम बंगाल, वो भी उतना ही दुर्भाग्य। सरकार के तमाम दावे और वादे उस वक्त कटघरे में खड़े हो जाते हैं जब सुकमा जैसी घटना सामने आती है। इधर सुकमा में पहली में पढ़ने वाली बच्ची से रेप हुआ तो जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। प्रदेश के डिप्टी सीएम सुकमा की घटना के बजाय मणिपुर में महिलाओं पर हुए अत्याचारों पर प्रधानमंत्री और मणिपुर के मुख्यमंत्री से जवाब मांगते नजर आए। इधर सुकमा में हुई घटना के बाद बीजेपी को सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया, वो इसका फायदा भी जमकर उठा रही है। वहीं कांग्रेस खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। पिछले दिनों जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी लॉ एंड ऑर्डर को देखें तो कांग्रेसी तिलमिला उठे थे, यहां तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी को अपशब्द तक कह डाले। अब 5 साल की बच्ची के साथ सुकमा जिले के एराबोर में गैंग रेप हुआ, उसके साथ हैवानियत की गई है, लेकिन आज तक आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। तो क्या अब और कोई प्रमाण चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है? अन्य प्रदेशों पर टिप्पणी करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के मंत्री और नेताओं को संवेदनशीलता है और ये दर्द महसूस हो रहा है तो पहले जाकर के उस बच्ची के साथ जिन्होंने घिनौना अपराध किया उसे गिरफ्तार कराएं। सुकमा में उस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ है निश्चित तौर पे वो घटना बेहद ही निंदनीय है, अस्वीकार है। कांग्रेस पार्टी और हमारी सरकार इस घटना की कड़ी निंदा करती है। आज मणिपुर में जहाँ पे 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं, 5,000 से अधिक लोगों के घरों को जला दिया गया है, 100 से अधिक लोग मार डाले गए हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, उनको नंगा घुमाया जा रहा है, उससे तुलना छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए। सरकार और विपक्ष अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगा हुआ है, लेकिन मुद्दा बड़ा है तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि प्रदेश में बच्चियां महफूज हैं? बहरहाल चुनावी साल में प्रदेश की बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा राजनीति से ज्यादा जरूरी है। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 की तैयारी में कांग्रेस और बीजेपी दोनों जुटी हुई हैं। कांग्रेस का फोकस मिशन 2023 में वापस सत्ता हासिल करना है,
तो वहीं बीजेपी की नजर 23 के साथ 24 पर भी है। आखिर क्या है कांग्रेस और बीजेपी का प्लान और क्यों विधानसभा को कम और लोकसभा को ज्यादा बीजेपी फोकस कर रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिसात बीत चुकी है, सियासी हलचल तेज हो चली है। बीजेपी 23 के साथ 24 को भी साधने में जुटी है। बीते दिनों केंद्रीय मंत्रियों और पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से ये साफ है कि बीजेपी का फोकस विधानसभा में कम और लोकसभा में ज्यादा है। जितने भी कार्यक्रम मोदी और केंद्रीय मंत्री के हुए हैं वो संभागवार हुए हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद 2019 लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट में से बीजेपी ने 9 सीट पर जीत हासिल की, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट ही मिल सकी। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार विधानसभा के साथ ही लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, इस वजह से लोकसभा में बीजेपी ज्यादा फोकस कर रही है। बस्तर के सांसद और पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि बीजेपी का फोकस 2024 पर है, इसलिए वो विधानसभा में कम और लोकसभा पर ज्यादा फोकस कर रही है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़िया वाद चलेगा, बाहर वाद नहीं चलेगा। वहीं बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मूढ़त ने पलटवार करते हुए कहा कि क्या कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी है, हर समाज हर जाति का छत्तीसगढ़ के अंदर मौजूद है, हमारा तो नारा है सबका साथ सबका विकास। देखिए भारतीय जनता पार्टी और सेंट्रल नेतृत्व का पूरा फोकस 2024 के लिए और विधानसभा कम लोकसभा में फोकस कर रही है। वो चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में दिल्ली से नेतृत्व करें, लेकिन हमारे यहाँ छत्तीसगढ़िया वाद चलेगा, बाहर का नेतृत्व नहीं चलेगा। हर जाति हर वर्ग हर समाज का छत्तीसगढ़ के अंदर अपना वजूद है और छत्तीसगढ़ की परिकल्पना कितनी समग्र विकास, सबके साथ सबका विकास। और कभी प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कभी देश को जाति वर्ग समाज के नाम पे बांटने का काम नहीं किया, इसलिए हमारा नारा है सबके साथ सबका विकास। बहरहाल छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस चुनावी अभियान में लगी हुई है, अपनी रणनीतियों के हिसाब से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का चुनावी मोर्चा जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संभाल रखा है, तो वहीं बीजेपी की चुनावी कमान अमित शाह ने अपने हाथ में ले रखी है। अब देखना होगा विधानसभा और लोकसभा में किसकी चुनावी रणनीति काम आती है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज।